कटनी ब्रेकिंग। कटनी नदी अपने पूरे शबाब पर है। नदी में तेज बहाव होने से रेलवे पुल में बनी सीढ़ी में नहा रहा मुकेश तेज बहाव में जाने से डूब गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सब नहा रहे थे, मुकेश को मना किया था क्योंकि मुकेश प्रजापति को तैरना नहीं आता था। मना करने के बाद भी नहीं माना और तेज बहाव में चला गया और बहते हुए डूब गया। मौके पर रेस्क्यू टीम के साथ, नगर पालिका की पूरी टीम के साथ कोतवाली टीआई शैलेश मिश्रा मौजूद हैं। हीरा विश्वकर्मा, कटनी। वो उससे मिल ली है ना, का नाम उसका महेश, नाम का बताए। फिर भी मैं दो बार बोला कि यार चले जा मम्मी से बताया, कहता तू चलने की नहीं चलने। फिर मैं बोला चल भाई, गुस्सा हो गया तो मैं आया उसके साथ। हालांकि वो नहीं नहा रहा था, पहले मैं ना आया, उछले उछले मैं तो बोला और आगे जा, मैं बोला मैं ना जाऊंगा। फिर उसका भी मन हुआ तो वो भी आ गया नीचे। अब एकदम से देखते देखते सामने क्या नाम था उसका, तैरना जानता था कि नहीं जानता? नहीं, ये सब नहीं मालूम, मेरे साथ तो कभी नहीं आया। नाम तो बता दे। मुक्कू प्रजापति, मुकेश प्रजापति। नहीं, इसके पहले कभी उसके साथ नदी आए हो? कभी नहीं आए जिंदगी में, लाइफ में इतने बड़े हो गए आज तक नदी नहीं आया। तो फिर कैसे आ गए उसके साथ? अरे वो बोला अब आज अब कोई का मन खराब नहीं कर सकते, सुबह दोस्त ही हम लोग दिन भर घूमते साथ में। वो भी नहाते समय ये हादसा हुआ है कि कैसे अचानक? अरे एकदम देखते देखते बह गया सामने, नहा रहा था वो उस तरफ रहा जो किनारे, फिर भी नदी आते कभी नहीं आया, उसमें से आ गए। आपका क्या नाम है? नीरज लकेरा। हो सकता है आगे भी चल गया, अब कुछ संभावना ऐसी है कि यहाँ पे पुल बन रहा था, जो ये जाल बिछा हुआ है। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा।